दिगराज कोविड केयर सेंटर में बगैर स्वैब टेस्ट के वापस लौट रहे लोगों के नाराजगी का दौर जारी है। इस संदर्भ में शुक्रवार को तहसीलदार राजेश वजीरे ने इन बीसीएन को स्वैब टेस्टिंग के संदर्भ में जारी नई सूचनाओं के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्राथमिकता के आधार पर 25 रैपिड एंटीजन और 25 RT-PCR टेस्ट लिए जा रहे हैं। हालांकि कोविड केयर में स्वैब टेक्नीशियंस की कमी की बात को कबूल करते हुए उन्होंने स्वेच्छा से स्वैब देने बड़ी संख्या में आ रहे लोगों की दिक्कतों और उनकी नाराजगी को खत्म करने और साथ ही उनका समाधान करने के लिए जल्द ही वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी दर्शाई है। दिगरस तहसील में बीते 6 माह से दिगरस कोविड नियंत्रण समिति और कोविड केयर सेंटर के कोरोना संक्रमण के रोकथाम की सक्रियता युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगभग 1 सप्ताह से कोविड के भीतर स्वैब टेक्नीशियंस की कमी और काम का बोझ बढ़ जाने से स्वेच्छा से स्वैब टेस्ट कराने आए लोगों पर वापस लौटने की नौबत आ रही है। हाल ही में इस बाबत शिकायत सामने आई थी और इस तरह की समस्या शुक्रवार को भी दोबारा उत्पन्न हुई, जिस बारे में नगर सेवक सैयद अकरम ने जानकारी देते हुए कोविड प्रशासन से जनता की समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखाने की अपील की। कोविड केयर सेंटर से मुझे मेरे एक रिलेटिव का फोन आया जो कि मेरे प्रभाग में रहता है। मुझसे कहा गया कि उसका मालक दिगंबर ढाले करीब 7 दिन पहले एक्सपायर हुए और उनकी फैमिलीज और उनके दुकान के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो करीब 2 से 3 बार कोविड केयर सेंटर से बगैर टेस्ट ये वापस गए, जबकि होना ये चाहिए था कि वो हाई रिस्क के लोग हैं, उनका सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कोविड केयर सेंटर में उनका टेस्ट नहीं किया गया। मैं यहाँ आया, वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में मालूम की तो वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना था कि 25 टेस्ट RT-PCR के और 25 टेस्ट एंटीजन के करने के ये ऊपर के आदेश है, इसके अलावा हम ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते। मैंने प्रॉब्लम पूछी तो उनका यह कहना था कि टेक्नीशियन का प्रॉब्लम है। ये टेक्नीशियन का प्रॉब्लम प्रशासन का है, इससे आम आदमी को और जनता को कोई लेना देना नहीं। मेरी प्रशासन से गुजारिश है, चाहे टेक्नीशियन प्रॉब्लम हो चाहे और कोई प्रॉब्लम हो, जनता के परेशानियों को समझते हुए आपने कोविड केयर सेंटर में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। धन्यवाद। इस अपूर्ण कोविड केयर सेंटर पर आजकल उपरोक्त समस्या से बेजार लोग रोजाना यहाँ आकर वापस लौटने को आखिर क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या तकनीकी समस्याएं हैं? इस तरह की तमाम उलझनों पर इन बीसीएन ने तहसीलदार राजेश वजीरे से सवाल किए, तब उन्होंने हाल ही में स्वैब टेस्टिंग को लेकर जारी हुई सरकारी दिशा निर्देशों की न सिर्फ जानकारी दी बल्कि कोविड केयर के भीतर जारी तकनीकी समस्याओं, टेक्नीशियन की कमी सहित स्वेच्छा से कोरोना टेस्ट के लिए आए लोगों को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। सध्या आपल्याला दिग्रस तालुक्याकरिता 25 RT-PCR आणि 25 रॅपिड अँटीजन टेस्ट घेण्याच्या सूचना आहेत। त्या अनुषंगाने आम्ही आता इथे कोविड केअर सेंटरला रोजच्या 25 रॅपिड टेस्ट घेतो आहे। तर या रॅपिड टेस्ट घेण्यामध्ये सुद्धा आम्ही प्राधान्यक्रम ठरवतो आहे की ज्यामध्ये जे ज्यांच्या घरातील कोणी कोरोना पॉझिटिव्ह व्यक्ती असेल, त्यांच्या संपर्कातील हायरिस्क व्यक्ती किंवा ज्यांचे 50 वर्षावरील जे मधुमेह, हायपरटेन्शन असे जे कोमॉर्बिड लोकं आहेत आणि ज्यांना काही सिम्प्टम्स आहेत अशा व्यक्ती आणि ज्या गरोदर स्त्रिया ज्यांची डिलिव्हरी आहे, तर अशा स्त्रियांची आम्ही प्राधान्याने चाचणी करत आहोत। तर यामध्ये काही लोकांची संख्या जास्त येत आहेत तर आम्ही त्यांना मग नंतर आमचं 25 जे आहे त्यामध्ये हा प्राधान्यक्रम ठरवून उर्वरित लोकांना दुसऱ्या दिवशी बोलवतो आहे, त्यामुळे थोडा अडचण निर्माण होत आहे, संख्या जास्त होत असल्यामुळे चाचणी लोकांची येण्याची, आणि टेक्निशियन पण सध्या 2 टेक्निशियन जे होते आमचे तर ते त्यापैकी 1 जण बीमार आणि त्याच्या घरी पॉझिटिव्ह आलेले आहेत व्यक्ती, आणि दुसरा पण सुद्धा थोडा बीमार आहे, तर त्या अनुषंगाने आम्ही 1 दुसरा टेक्निशियन बोलून हा इश्यू सॉल्व केलेला आहे आणि उद्यापासून आम्ही हा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याप्रमाणे सुरळीतपणे टेस्ट करण्यात। इस विषय पर कोविड केयर के मैनेजर अभय गोविंदवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया कि कोविड केयर का काम अब भी बेहतर ढंग से जारी है, लेकिन आजकल टेस्ट के लिए आने वालों की तादाद बढ़ने से और उपलब्ध मनुष्य बल कम पड़ने की वजह से तकनीकी असुविधा उत्पन्न होने से समस्याएं निर्माण हो रही है, जिसके समाधान के लिए प्रयास जारी है। आता ही जे आपण टेस्ट करतो कोणतीही, तर ही एकट्याची जबाबदारी नसून आमच्या पूर्ण टीमचीच असते, पण त्या टीममध्ये एक जरी व्यक्ती नसला तर पूर्ण अडथळा निर्माण होत असते। कारण ह्या गोष्टी जसं असं नाही आहे की घेतलं आलं लगेच कोणी की लगेच स्वॅब घेतला आणि लगेच घरी पाठवलं, असं नसते। याच्यामध्ये टीमवर्क असते, त्याची नाव नोंदणीपासून त्याची ऑनलाईन करणे, त्याची
व्यवस्था करणे, इतरांनंतर त्यांची पूर्ण त्यांचे नाव लिहिणे आणि त्यांच्या किटवरचा जे नंबर असते पूर्ण ऑनलाईन पुन्हा दुसऱ्यांदा करणे आणि नंतर पुन्हा त्याचे जे टेक्निशियन असतात त्यांना बोलावून त्यांची हे करणे, नंतर लाईन जे जसं लाईन प्रमाणे उभे राहणे, नंतर त्यांचे स्वॅब घेऊन नंतर पुन्हा अर्ध्या घंट्यानंतर त्यांचे रिझल्ट डिक्लेअर करणे आणि मग नंतर डिक्लेअर झाल्यानंतर त्यांना कोणाला सर्टिफिकेट पाहिजे असेल सर्टिफिकेट देणे, इतका मोठा याच्यामध्ये खूप असं अडचणी आहेत आणि याच्यामध्ये एक जरी नसेल तर आम्हाला थोडासा प्रॉब्लेम होऊन जातो आणि इथे 6 महिन्यापासून प्रत्येक कर्मचारी काम करत आहे आणि प्रत्येकाला आत्तापर्यंत गाईडलाईननुसार 2-2 सुट्टी दिवस द्यायलासुद्धा पाहिजे पण मॅनपॉवर एवढा कमी असल्यामुळे आम्ही 1-1 दिवससुद्धा सुट्टी घेतलेली नाही आहे. आज आम्हाला कम्प्लीट आज 6 महिने कम्प्लीट झालेले आहे आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा खरंच ताण वाढलेला आहे आणि याच्यामध्ये 25 RT-PCR आणि 25 RAPID घ्यायचे आहे. तर याच्यामध्ये आता लोकांना फक्त मी अपील करू शकतो की 25 घ्यायचे असल्यामुळे ज्या लोक ज्यांच्या घरी पॉझिटिव्ह रुग्ण असेल ते लोक आणि त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोणी आले असेल पण त्यांना काही त्रास नसेल त्यांनी 7 दिवसानंतर ते तपासणी करायला द्यावी म्हणजे करायला पाहिजे ऍक्च्युली. आणि बहरहाल इस बीच दिग्रस कोविड केअर में शुक्रवार को RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट से 16 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने से कलेक्टिव पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 106 हो गया. तो वही इस बीच 13 लोग पॉजिटिव से निगेटिव में तब्दील होने से फिलहाल कुल मरीजों की संख्या 93 हो चुकी है. NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट.